बीकानेर राजस्थान की एक ऐतिहासिक शहर जो फेमस है रेड टेंपल, जूनागढ़ फोर्ट एंड कैमल फेस्टिवल के लिए। राजस्थान की फर्स्ट एपिसोड पर मैं आपको दिखाया था कोलकाता टू राजस्थान ब्यूटीफुल ट्रेन जर्नी, और इस वीडियो पर मैं एक्सप्लोर करने वाला हूं बीकानेर की सारे फेमस प्लेसेस विद सम फेमस फूड्स। सो और देरी ना करके चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रॉम बीकानेर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग अगेन फ्रॉम बीकानेर। सो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:40। यस, लास्ट ब्लॉक में यहीं पर खत्म किया हूँ और सेकंड ब्लॉक भी यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो सूरज जो है जस्ट 7:40 पर राइज हुआ है और मैं अभी तक स्टेशन के बाहर निकला नहीं हूँ। तो स्टेशन के बाहर चलते हैं और यहाँ पर क्या है ना, कूल ही नहीं है। क्लॉक रूम और IRCTC का रिटायरिंग रूम है कि नहीं, मैं एक नंबर प्लेटफॉर्म में जाके पता करता हूँ और सारे इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। चलते हैं एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ। कितना प्यारा लग रहा है सूरज भाई। मेरा स्टेशन में टोटल 6 प्लेटफॉर्म है, तो हम लोग एक नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं और वहीं से बाहर निकलने वाले। बीकानेर स्टेशन का जो गेट है वो एक किला टाइप का लग रहा है, मैं दिखाता हूँ बाहर जाके जल्दी से। एक नंबर प्लेटफॉर्म में आपको ऐसे वेटिंग रूम भी मिल जाएगा, ठीक है। क्लॉक रूम भी अवेलेबल है, स्टेशन के बाहर भी अवेलेबल है, स्टेशन के अंदर भी अवेलेबल है। स्टेशन के अंदर क्लॉक रूम में सामान रखने के लिए आपके पास टिकट होना चाहिए, तब आप सामान रख सकते हैं। और एक नंबर प्लेटफॉर्म से एकदम पहले की तरह, मतलब एकदम सामने की तरफ क्लॉक रूम अवेलेबल है। तो अभी जल्दी से स्टेशन के बाहर निकलते हैं और होटल चेक इन करते हैं। होटल में सारा सामान रख के बीकानेर के जो भी प्लेसेस है सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे विथ यहाँ की स्पेशल फूड्स। रियली स्टेशन मुझे एक ट्रेडिशनल राजस्थानी केल्ला की तरह लगा। पिंक एंड येलो मार्बल से पूरा स्टेशन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, बहुत ही अच्छा है। पीछे मेरे देख पा रहे हैं स्टेशन के बाहर निकलते हैं आपको पार्किंग मिल जाएगा। यहाँ पर आप अगर स्कूटी वूटी लेकर आते हो या फिर पर्सनल व्हीकल से भी आते हो तो यहाँ पर पार्किंग कर सकते हो। ये स्टेशन के बाहर निकलते ही इस तरफ आपको मिल जाएगा सारे ऑटो कैब जो भी है सब कुछ आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है, इजीली। सो स्टेशन से निकल के हम लोग होटल की तरफ जा रहे हैं। होटल एकदम सामने है, 400 मीटर भी नहीं है, 300 मीटर के अंदर है, राजमहल होटल एंड रेस्टोरेंट। तो चलते हैं होटल की तरफ। ये हम लोग का होटल है एकदम, मतलब स्टेशन से निकलेंगे ये स्टेशन है, स्टेशन से निकलने के बाद 100 मीटर भी नहीं हुआ, ये रहा राजमहल होटल एंड रेस्टोरेंट। तो ये रहा हम लोग का रूम 213। राजमहल जो होटल है देखने में और स्ट्रक्चर जो है अब क्या बोलूँ, राजमहल जैसा ही है, ठीक है, बहुत बढ़िया लग रहा है। हम लोग नाइट में स्टे तो नहीं करेंगे लेकिन 1300 रुपये लेके रूम लिया है आप लोगों को दिखाने के लिए। थोड़ा सा फ्रेश होंगे, ड्रेस चेंज करेंगे क्योंकि 2 दिन से सिर्फ ट्रेन में ही था, राइट। तो सारे ड्रेस चेंज करेंगे, फ्रेश होंगे, फिर निकल जाएंगे साइट सीन के लिए। तो रूम देखने में बहुत बढ़िया है, अब देखिए बेड बहुत बड़ा सा दिया है और यहाँ पर एक मिरर है, वार्डरोब है, लाइट है, टीवी है, पंखा है, एसी है, सब कुछ। और वॉशरूम दिखा देता हूँ, वॉशरूम देखिए कितना बड़ा वॉशरूम है, गीजर है, सब कुछ है भाई। सो जल्दी से हम लोग फ्रेश होते हैं और ड्रेस चेंज करके मिलते हैं आप लोगों के साथ, बाय बाय। हे गाइस, वेलकम बैक, दिस इज सुरजीत एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल सुरजीत पलमल। तभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, 10:00 रेडी होते होते और निकल रहे हैं बीकानेर को एक्सप्लोर करने। और मेरे साथ है बाबू भैया, जब स्टेशन से हम लोग आ रहे थे उसी टाइम बाबू भाई के साथ बात करके ऑटो बुक कर लिए थे। बाबू भाई के साथ पूरा दिन हम लोग आज ऑटो करके पूरे सारे प्लेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। भैया हम लोगों से 1600 रुपये चार्ज ले रहा है, सारे प्लेसेस को अच्छे से घुमाने वाले हैं। बाबू भैया सब सही है ना? तो सबसे पहले हम लोग जा रहे हैं ओल्ड बीकानेर सिटी। भैया से पता चला कि वहाँ पर अच्छा अच्छा ब्रेकफास्ट भी मिलता है, तो ओल्ड बीकानेर सिटी पे जाकर रामपुरिया हवेली बोल के एक हवेली है, वहाँ का जो नकाशी जो कारीगरी बहुत ही अच्छा है तो मैं आपको दिखाता हूँ। और उसी के बगल में हम लोग चले जाएंगे चाय पट्टी। तो चाय पट्टी जो है वो सट्टा बाजार भी है यहाँ का, और उसी प्लेस में बहुत सारे वेराइटीज टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट मिल जाता है, तो हम लोग वहीं पर जा रहे हैं।
प्राइवेट प्रॉपर्टी है रामपुरी हवेली, हम लोग बाहर से विजिट कर सकते हैं। पीछे में इसका होटल है अच्छा, लेकिन उसमें 250 रुपए पर पर्सन एंट्री फीस है, तो लेकिन कोई मतलब नहीं कोई है मतलब जाने का होटल के अंदर, ये बाहर से ही देखना अच्छा। बाहर से सिर्फ हवेली देख सकते हैं। तो देख रहे हैं यही है रामपुरिया हवेली, अंदर तो नहीं जा सकते जैसे भैया कहा, लेकिन यहाँ का जो नक्काशी जो कारीगरी आप देख रहे हैं बहुत ही सुंदर है, इतना सुंदर लग रहा है भाई। तो ये जो हवेली है ना इसके अंदर आप जा नहीं सकते, पर ये हवेली अराउंड 500 ईयर्स से भी ज़्यादा पुराना है। तो यहाँ के जो नैरो लेन्स, यहाँ पर फोटोशूट बहुत ज़्यादा करते हैं लोग आके, आप यहाँ पर आके एटलीस्ट आधा घंटा बिताइए या फिर 20 मिनट्स बिताइए और अच्छे अच्छे फ़ोटो खींच के लेके जाइए, ठीक है। तो रामपुरिया हवेली देख लेने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ का एक फेमस शॉप मनका महाराज राबड़ी टाई करने के लिए। यहाँ पर बन रहा है ये अपना मनका महाराज का कारखाना, देख रहे हैं राबड़ी कैसे बन रहा है, राबड़ी बन रहा है, सोच सकते हैं। बोल दीजिए इसको मनका महाराज, बहुत बड़ा है स्पेस, कितना सारे राबड़ी बन रहा है देखिए। तो मैं हूँ अभी मनका महाराज जो बीकानेर की फेमस शॉप राबड़ी वाला नाम से भी जाना जाता है इनको। यहाँ पर क्या है ना राबड़ी बहुत फेमस है, बहुत टेस्टी भी होता है, राबड़ी के साथ साथ और भी बहुत वैरायटीज टाइप ऑफ आपको स्वीट्स मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ट्राई करते हैं राबड़ी। प्राइस है 360 रुपये किलो, 100 ग्राम का 36 रुपये। सो मैं ले लिया हूँ राबड़ी और आप देख रहे हैं कितना घना है और कितना क्वालिटी अच्छा लग रहा है, और ट्राई करके देखते हैं। फ्लेवर ही बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है, मतलब दूध को उबालते हुए इतना ज़्यादा उबल गया है, गाढ़ा बन गया एकदम, और अब सोच रहे ये एकदम मक्खन जैसा लग रहा है देखने में, खीर खीर जैसा लग रहा है। मनका महाराज में रबड़ी ट्राई करने के बाद अभी हम लोग जा रहे हैं नेक्स्ट चायवट्टी। चायवट्टी एक ऐसा प्लेस है यहाँ का जहाँ पर आप वैराइटीज टाइप ऑफ ब्रेकफास्ट कर सकते हो, बट चायवट्टी के अंदर क्या है ना ऑटो डायरेक्ट नहीं जा सकता है, तो ऑटो यहाँ का जो बीकानेर का जो बड़ा बाजार है वहाँ पर रुक के हम लोग को पैदल जाना होगा। सो जैसे कोलकाता में बड़ा बाजार होता है वैसे बीकानेर में भी बड़ा बाजार है, तो हम लोग बड़ा बाजार में रुके हैं, ये है ऑटो स्टैंड, यहीं पर ऑटो रख के हम लोग जा रहे हैं चायवट्टी की तरफ। क्या भाई साहब कितने टाइप का वैराइटीज टाइप ऑफ फूड, तो मैंने अभी ले लिया है यहाँ का फेमस कचौरी और पकौड़ा, 20 रुपीज़ है ओनली, देखते हैं टेस्ट करके कैसा है। बहुत ज़्यादा भीड़ है आपको पता था, इस प्लेस में आने के लिए बेस्ट है आप सुबह सुबह आ जाइए जितना सुबह हो पाए। टेस्ट डिफरेंट है, जैसे हम लोग खाते हैं कचौरी ऐसा नहीं है, अंदर का जो मसाला है ना थोड़ा डिफरेंट टाइप का मसाला है, और गर्म गर्म और भी अच्छा लग रहा है, और ये ना कुरकुरा टाइप लग रहा है थोड़ा, जब हम लोग कुरकुरा मिलता है ना पैकेट में उसको अगर भिगा देंगे तो कुछ ऐसा होगा, आके एक बार मस्ट ट्राई तो बनता है भाई, बीकानेर में आते हो तो लोकल फूड यहाँ का ट्राई करो। सो चाय पट्टी में ब्रेकफास्ट करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल एंड सेंट बंडासा टेम्पल देखने के लिए। ये जैन टेम्पल है तो दोनों एकदम बगल बगल में है, मैं दिखाता हूँ। ये है लक्ष्मी नारायण टेम्पल, आप देख रहे हैं कितना बड़ा है इस तरफ, ये जो रास्ता देख रहे हैं इस तरफ से ही है बिंदासर जो जैन टेम्पल है, बिंदासर जैन टेम्पल। तो मैं अभी इसके अंदर चलता हूँ लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इतना सारा कबूतर है भाई, बहुत बढ़िया लग रहा है। अंदर कैमरा अलाउ नहीं है तो मैं अंदर का नहीं दिखा सकता हूँ, तो मैं चाहता हूँ अंदर और वापस आके आप लोगों से बात करता हूँ, ठीक है। देखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, मैं पहले बोल रहा था लक्ष्मी नारायण टेम्पल, तो रियली में जो नाम है लक्ष्मी नाथ जी टेम्पल। मंदिर का जो कंपास है बहुत बड़ा है, अंदर जाके वीडियो अलाउ नहीं था, मैं कर नहीं पाया, और यहाँ पर ना बगल में आपको गणेश जी का भी टेम्पल एक मिल जाएगा,
अभी जो आप देख रहे हैं वीडियो में, ये गणेश जी का टेंपल है। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, अराउंड 15 मिनट्स टाइम लगेगा यहाँ अंदर जाके दर्शन करके आने में। भीड़ उतना था नहीं, लेकिन हाँ कभी कभी भीड़ होता है। हर एक टूरिस्ट को यहाँ पर लाया जाता है, पॉपुलर डेस्टिनेशन है। आप भी शायद अगर ऑटो के जरिए करेंगे तो यहाँ पर आ जाएंगे। तो इसके बगल में ही है जैन टेम्पल, बंदेसर जैन टेम्पल। मैं वहाँ पर जाता हूँ, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो चलते हैं अभी इस टेम्पल पर, जैन बंदेसर टेम्पल। पूरे से व्यू देखोगे, पूरा हैंड ब्लॉक का काम होता है। जैसे महारानी हो गया, बंदेज हो गया, लहरिया हो गया, 100 ग्राम का रजई हो गया, वो पूरी ऑल सिटी के अंदर कलर वगैरह डाई वगैरह इधर होता है, और कपड़ा वगैरह सब घरों के अंदर इधर बनता है, पुरानी ओल्ड सिटी के अंदर। आप ऊपर से व्यू देखोगे तो आप पूरे घरों के अंदर कपड़ा ही कपड़ा, आपको रंग बिरंगा कपड़ा ही कपड़ा मिलेगा। तो जा रहे हैं अंदर जैन टेंपल साइड, बंदेसर जैन टेंपल। देखने में तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो टेंपल के अंदर तो वीडियो करना अलाउ नहीं था, तो जैसे तैसे करके टेंपल के अंदर लोग थे उनसे बात करके थोड़ा फोटो वोटो खींचे। आप लोग देख रहे हैं शायद, ये जो टेंपल है ये 500 ईयर से भी पुराना टेंपल है, ठीक है। यहाँ का जो स्टोन यूज़ किया गया है, वो स्टोन जैसलमेर से लाया गया था, ऊँट के ऊपर चढ़ा के लाया गया था, समझ रहे हो। तो अच्छा लगा, टेंपल के अंदर जो नक्काशी है, जो कारीगरी है, बहुत सुंदर है। आपको मस्ट विजिट करना चाहिए। अंदर फोटो खींच सकते हैं रिक्वेस्ट करने के बाद, लेकिन वीडियो करना अलाउ नहीं है। अभी भैया लेके जा रहे हैं केसर वाली चाय, केसर चाय पिलाने के लिए। तो वहीं पर जाके केसर चाय टेस्ट करते हैं, उसके बाद चले जाएंगे जूनागढ़ फोर्ट, जिसे बहुत सारे लोग बोलते हैं बीकानेर फोर्ट भी। ₹20 में केसर वाला चाय कुल्लड़ में मिल रहा है, एकदम सही सही दिख रहा है भाई। अभी टेस्ट करके देखते हैं कैसा है, ठीक है। गर्म बहुत है, मजा आ गया भाई, सही में गरम गरम था और केसर का पूरा स्वाद आ रहा है एकदम। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं यही है जूनागढ़ फोर्ट। तो हम लोग जा रहे हैं पूरे बीकानेर टाइट सिंह पर, सबसे बेस्ट प्लेस यही है जूनागढ़ फोर्ट। तो इसके अंदर चलते हैं, देखते हैं। टिकट के साथ गाइड रहता है बोल रहे हैं, तो गाइड लेके इसके बारे में जानेंगे और अच्छे से शॉट लेंगे। तो ये एंट्रेंस वाला पोल है, इसका नाम है दौलत पोल। तो जा रहा हूँ मैं अंदर। ये है फतेह पोल, दौलत पोल के बाद। टू व्हीलर लेकर अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर पार्किंग कर सकते हैं, ठीक है। पहले से देखिए कितना सुंदर लग रहा है, एक फोर्ट रियली में सुंदर लग रहा है। ऊपर जो नक्काशी देखिए, यहाँ पर एक चीज़ देखिए, गेट में ऐसे देखिए नोकीला जैसा धातु का एक चीज़ बना हुआ है, आप देख रहे हैं। तो क्या होता ना, उस टाइम पर जब इस गेट पर हाथियों बार करता था, तो हाथी बार ना कर पाए इसके ऊपर, इसलिए इसको बनाया गया है। तो गेट नहीं तो तोड़ देगा हाथी, तो इसलिए क्या किया ना, ये नोकीला जैसा धातु लगाया गया है और बहुत ज़्यादा मजबूत है ये गेट। ये गेट नहीं, मैं बार बार गेट बोल रहा हूँ, गेट नहीं है, पोल है, पोल। दिस इज द फोर्ट बेसिकली, ये मेन फोर्ट है। फोर्ट के एंटी टाइमिंग है सुबह 9 बजे से शाम के 6 बजे तक हर दिन। यहाँ पर एक ग्राउंड है और ग्राउंड के सामने देखिए तोप रखा गया है बहुत सारे। सो ये जूनागढ़ फोर्ट की हिस्ट्री है, आप वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं इसको, पूरे फोर्ट के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। सो वीडियो कैमरा के लिए ये रहा टिकट, 200 रुपीज़ लगा है। एंट्री फीस के लिए लगता है
₹100 पर पर्सन इंडियन टूरिस्ट के लिए। फॉरेनर टूरिस्ट के लिए ₹400 पर एडल्ट, बच्चों के लिए ₹200। पूरे ग्रुप के साथ जा रहे हैं तो ₹100 टिकट है और ग्रुप में एक ही गाइड दिया जाता है। आप अगर सोलो गाइड चाहते हो तो आप सोलो गाइड ले सकते हो, ठीक है। फोर्ट में घुसते ही आप सबसे पहले पहुंचेंगे वेलकम कोटियर पर, जहां पर रॉयल फैमिली अपने गेस्ट का वेलकम करता था। एंड देन आप पहुंचेंगे होली चौक पर, जहां पर उस जमाने में होली उत्सव मनाया जाता था। नेक्स्ट है करण महल। 1631 में फोर्ट के अंदर ये करण पैलेस बनाया गया था राजा करण सिंह के द्वारा। उस जमाने में इस पैलेस के अंदर राज तिलक होता था। पैलेस की सीलिंग में जो भी आप गोल्ड कलर की डिजाइन देख पा रहे, ये रियली 22 कैरेट गोल्ड से बनाया हुआ पेंटिंग है, जो अभी भी बहुत सुंदर दिखता है। अंदर एक सिंहासन भी रखा हुआ है जो पूरा सिल्वर का बना है। तो इस एरिया में टोटल चार महल है। ये जो आप सेंटर में आप देख रहे हैं, ये है अनूप महल, बादल महल, उस तरफ है फूल महल एंड और एक महल है, मैं दिखाता हूँ आगे जाके, ठीक है। मेन जो खासियत है इस जगह का, ये अनूप महल है, क्योंकि इसके अंदर मैं जाता हूँ, आप लोग को बोलता हूँ क्या है। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं गोल्डन कलर का, जो भी देख पा रहे हैं आप, पूरा जो जितने भी नक्काशी किया गया है ना, जो भी गोल्डन कलर का देख रहे हैं, ये रियली में गोल्ड है। और ये जो नीचे कारपेट देख रहे हैं, ये लेदर ऑफ कैमल से बना हुआ है। और देखिए यहाँ पर एक सिंहासन जैसा दिखाई दे रहा है, राइट। ये पूरा जो प्लेस है, ये प्लेस दीवानी खास कहा जाता था। राजा यहाँ पर खास लोगों के साथ बैठ के बैठक करते थे। तो रियली में मतलब जो गेट है, जो नक्काशी है, बहुत ही सुंदर है, आना चाहिए ये जगह पर। ₹65 kg सिल्वर का है, सेफ्टी के वजह से। देखिए फोर्ट के अंदर जितने भी स्टेयर्स है, सभी छोटा छोटा है। अगर सोचिए कि फोर्ट के अंदर कोई एनिमी घुस गया है, तो एक साथ अगर युद्ध हो रहा है या फिर कुछ हो रहा है, एक एक जन करके ही ऐसे उतर सकते हैं या जा सकते हैं, एक साथ सभी लोग नहीं घुस सकते, तो इसके लिए ये छोटा छोटा बनाया गया है। ये जो अभी मैं प्लेस में खड़ा हूँ, ये इस पूरे फोर्ट के एकदम टॉप प्लेस है। इसके ऊपर भी एक फ्लोर है, बट वहाँ पर टूरिस्ट लोगों के लिए अलाउ नहीं है। बाएं तरफ जो है आप देख रहे हैं, ये है रॉयल गार्डन, ठीक है। नीचे देख रहे हैं, ये रॉयल गार्डन है, बहुत ही सुंदर है, मतलब इसको अच्छे से संभाला जाता है, क्लीन एंड क्लियर है एकदम। वो उस जमाने का जेल है, ठीक है, वो जो सीढ़ी दिखाई दे रहा है। और इस तरफ क्या होता है, ऑफिस का काम होता था उस टाइम पर। ये नीचे आप देख रहे हैं, ये है एक शिव टेम्पल, यहाँ पर जो सैन्य और घोड़ा जो भी था यहाँ पर रहता था उस टाइम पर। तो ये प्लेस रियली में बहुत सुंदर है। एक एक फोर्ट को एक्सप्लोर करना एक घंटा डेढ़ घंटा मतलब कुछ नहीं है, दो घंटे से भी ऊपर लग सकता है अगर आप अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पर देखिए रॉयल बेड अभी तक है, आगे के टाइम पर जो गज सिंह थे इसी बेड के ऊपर सोते थे। आप देख सकते हो बेड कैसा था। सेक्शन में बहुत सारे पोर्ट्रेट्स दिखाई दे रहे हैं, पुराना पुराना पोर्ट्रेट्स, बहुत सुंदर पोर्ट्रेट्स हैं। कहीं युद्ध हो रहा है, कहीं पर दिखाई दे रहा है कि गांव कैसा था, कहीं पर आप देख रहे हैं ये फोर्ट दिखाई दे रहा है। तो अच्छा है प्लेस, बट ये पूरा प्लेस पढ़ने के लिए, जानकारी के लिए बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर देखिए कितने बड़े बड़े बंदूक है भाई, मतलब एक जन नहीं चला सकते, शायद किसी के ऊपर रखते थे ऐसा, फिर पीछे से एक जन चला जाता। ये अगर मेरे ऊपर डाला जाए तो मैं खुद ही बैठा रह जाऊंगा, पैदल ही नहीं चल सकता, ये इतना भारी होगा। सभी मैं लेकर जा रहा हूँ इस किले के इंपॉर्टेंट भाग में, जहाँ पर एयरक्राफ्ट है जो वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था। तो जल्दी से चलते हैं। और ये रहा वो एयरक्राफ्ट, देखिए ये वर्ल्ड वॉर में यूज किया गया था, यहाँ पर पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ है, अगर पढ़ना हो तो पॉज करके पढ़ना। सो फाइनली मैं फोर्ट से अभी निकल रहा हूँ, 2 बज गया, डेढ़ घंटा लग गया मेरा फोर्ट को एक्सप्लोर करते करते। अच्छे से एक्सप्लोर करने में और भी टाइम लगता है, लगभग 2 घंटा तो मिनिमम लगता है। बाय द वे मुझे फोर्ट बहुत अच्छा लगा, आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बोलिए। शॉर्ट जितना हो पाया था मैंने ले लिया है।
से निकलने के बाद अभी हम लोग जा रहे थे कैमल रिसर्च सेंटर, और मिडिल में हमें मिला और दो साइट सीइंग प्लेस, एक लालगढ़ पैलेस एंड दूसरा लक्ष्मी निवास। लालगढ़ पैलेस बनाया गया था साल 1902 से 1926 के बीच महाराजा गंगा सिंह के द्वारा। इस पैलेस की तीन खासियत है, एक ये पैलेस ओनली रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है, और सेकंड यहां आपको एक म्यूजियम देखने को मिल जाएगा, एंड थर्ड वर्ल्ड की फोर्थ लार्जेस्ट लाइब्रेरी यहां पर बना हुआ है। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है इसलिए मैं आपको चिड़िया की नजर से दिखा रहा हूं। इसके बगल में ही है लक्ष्मी निवास जो पार्ट है लालगढ़ पैलेस की, बट अभी के टाइम पर लक्ष्मी निवास एक हेरिटेज होटल है, बीकानेर से ओनली 4 किलोमीटर दूर है। अगर हो पाए तो कैमल रिसर्च सेंटर जाने के टाइम आप भी हमारी तरह ये दो पैलेस विजिट कर लेना। लालगढ़ पैलेस लेटने के बाद हम लोग अभी आ चुके बहुत दूर, करनी माता टेम्पल से जस्ट 20 मिनट पहले पड़ता है। इंडिया में पूरी दुनिया में बना हुआ एक ही कैमल रिसर्च सेंटर जो बीकानेर में आपको मिल जाएगा। बाबू भैया हम लोगों को ऑटो में यहाँ पर रुक दिया है। कैमल रिसर्च सेंटर इस तरफ है, जस्ट उसके बगल में एक रेस्टोरेंट है, तो बाबू भैया बोला कि यहाँ पर आप खाना ऑर्डर करके चले जाइए, खाना रेडी होता रहेगा और आप लोग कैमल रिसर्च सेंटर से घूम के आएंगे, खाना खा लीजिए। तो एकदम प्योर वेज रेस्टोरेंट था, खाना मैंने ऑर्डर दे दिया है, खाने का टाइम मैं बताऊंगा। अभी चलते हैं कैमल रिसर्च सेंटर की तरफ और आप लोगों को मैं दिखाता हूँ क्या फैसिलिटी है यहाँ का। ये कैमल रिसर्च सेंटर जूनागढ़ फोर्ट से अराउंड 8.2 किलोमीटर है, और सबसे मेन खासियत क्या है, यहाँ पर 350 टू 400 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल आपको देखने को मिल जाएगा। सो टिकट प्राइस है 50 रुपीज़ पर पर्सन फॉर इंडियन टूरिस्ट, एंड फॉरेनर्स के लिए 200 रुपीज़, और कैमल राइड अगर करना है तो 100 रुपीज़। सो कैमल रिसर्च सेंटर का जो टाइमिंग्स है थोड़ा अलग है, समर के टाइम 1:30 to 7:30 PM और विंटर के टाइम 1 PM to 6:30 PM। कैमल रिसर्च सेंटर के अंदर आप चाहे तो कैमल राइड कर सकते हैं, बट अगर आप बीकानेर के साथ साथ जैसलमेर का भी प्लान बना के घर से निकले हो तो कैमल राइड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। ट्रिप का प्लान जैसलमेर तक नहीं है तो आप यहीं से कैमल राइड कर लेना, क्योंकि कैमल राइड करने का एक अलग मज़ा होता है। मैं अभी तक किया नहीं हूँ लाइफ में, पूरे लाइफ में कभी भी नहीं किया हूँ, तो मैं वो करूँगा जैसलमेर में। तो आगे वहाँ पर मैं दो टाइप ऑफ ऊंट्स आप लोगों को दिखाया, मतलब कैमल्स ऊंट्स कुछ भी कह लीजिए, और यहाँ पर देखिए बड़ा बड़ा ऊंट है और भी दो टाइप। ओ भाई क्या कर रहे हैं, देखो मतलब देख के एक अलग फील लग रहा है। सिर्फ ऊंट ही नहीं, आप चाहे तो इस प्लेस पर कैमल डेयरी भी ट्राई कर सकते, ऊंट के दूध से बना हुआ लस्सी आइसक्रीम ये सब ट्राई कर सकते। यहाँ पर घूमते घूमते और एक चीज़ पता चला कि जैसे हम लोगों के वहाँ पर दुर्गा पूजा फेस्टिवल होता है, दिवाली फेस्टिवल होता है, बीकानेर पे क्या होता है ना, कैमल फेस्टिवल होता है, कैमल फेयर होता है, एक मेला होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल आता है। तो मतलब सोच के ही अजीब लग रहा है कि कैमल फेस्टिवल कैसा होगा, लाइफ में मौका मिले तो एक बार ना एक बार जरूर आऊँगा। यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, सैंड ड्यून्स, ड्यून कॉटेज, सान व्यू पॉइंट, कैमल राइडिंग। तो अगर कैमल राइडिंग 100 रुपीज़ करके आप लोग टिकट लेते हैं तो इस तरफ से जाना होगा, और यहाँ पर बहुत सारे लोग कैमल राइड कर भी रहे हैं। तो सान व्यू पॉइंट तो अभी नहीं करेंगे क्योंकि सनसेट हम लोग करनी माता टाइम देख के जब वापस आएंगे उसी टाइम करेंगे। तो चलते हैं और यहाँ पर नहीं जाते हैं, आगे ऊपर थोड़ा सा अगर कुछ मिलता है तो दिखाता हूँ, नहीं तो निकल जाएंगे यहाँ से। अभी मैं ले लिया हूँ लस्सी, कैमल का मिल्क लस्सी, 30 रुपीज़ लगा है एक एक का, और थोड़ा पिंक पिंक कलर दिख रहा है, नॉर्मल जो लस्सी होता है व्हाइट कलर का वैसा नहीं है, तो टेस्ट करके देखते हैं ठीक है। टेस्ट कैसे कहूँ, थोड़ा डिफरेंट है, एकदम गाढ़ा नहीं है ठीक है, प्लेन जैसे मिल्क पी रहा हूँ, नॉर्मल मिल्क जैसे हम लोग घर में हर दिन लस्सी पीते हैं ना वैसा नहीं है, छाछ जैसा है। एक बार टेस्ट करने के लिए सही है लेकिन हर दिन के लिए आपको अच्छा नहीं लगेगा। तो हम लोग खाना जो ऑर्डर देते हैं ये प्योर वेज रेस्टोरेंट है, और राजस्थान में पहला मिल ले रहे हैं जो लंच मिल, ये 1 प्लेट राइस है, जीरा राइस, 70 रुपीज़ पड़ा एक एक जन का, 3 प्लेट लिए हम लोग। और यहाँ पर देखिए दाल है, दाल के ऊपर देखिए घी डाला गया है, खाने का टेस्ट ही चेंज हो जाएगा।
ये एक सब्जी है। जब कैमल किस्सा सेंटर में आएंगे तब यहीं से खाना खाना, मैं बोलूँगा खाना अच्छा है, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो ट्राई करूँगा मैं, आप लोगों को बोलूँगा खाना खाना है कि नहीं। लहसुन का अचार और ये मिर्चा का अचार है। तो जल्दी से खाना स्टार्ट करते हैं, जीरा राइस वही तिस्कार। दाल का टेस्ट प्योरली डिफरेंट है कोलकाता से, ये सिर्फ दाल से आप भात खा सकते हो, मतलब दाल एक सब्जी की तरह लग रहा है। बाकी यहाँ पर सब्जी वब्जी है, तो जल्दी से खाना कंप्लीट करते हैं और फिर निकल जाएंगे करणी माता टेम्पल के लिए। खाना बहुत बढ़िया था, एकदम फ्रेश बना के दिया, जो भी आप ऑर्डर देंगे वो फ्रेश बना के आपको देंगे, तो बहुत अच्छा लगा। बाबू भैया को धन्यवाद, थैंक यू, ठीक है। अभी हम लोग पहुँच चुके हैं करणी माता टेम्पल पर, खाना खाने के पॉइंट से अराउंड 25 किमी। तो जल्दी से चलते हैं। इस टेम्पल को चूहे टेम्पल भी कहा जाता है, बंगाली वाले लोग जो आते हैं कोलकाता से वो बोलते हैं इंदूर टेम्पल। तो चलते हैं अंदर, ठीक है। देखिए आप, अंदर चूहा ही चूहा है चारों तरफ। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पर अगर आप सफ़ेद चूहे देख पाते हो तो मतलब आप बहुत लकी हो। तो देखते हैं अगर मुझे सफ़ेद चूहा मिल जाता है देखने को। मांग लेंगे कुछ भी, सपना है अपना, बड़ा सा ट्रबल ब्लॉगर बनना है मेरे को। चलो तो दर्शन हो गया, सफ़ेद चूहा तो नहीं देख पाया, उतना लकी हूँ मैं नहीं। दो तीन चीज़ बता देता हूँ, चूहा आपके पैर के ऊपर से चले जाए तो अच्छा होगा, लेकिन आपके पैर के नीचे चूहा नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा संभाल के चलना होगा। यहाँ से बहुत सारे लोग बाहर से चूहों के लिए खाना लेके आ रहे हैं, तो आप भी खरीद के बाहर से लेके आ सकते हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, यही था बीकानेर की लास्ट प्लेस, तो अभी वापस चले जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग वापस चले आए होटल में, एंड देन स्टेशन के पास एक पंजाबी रेस्टोरेंट से रात के डिनर किए। स्टेशन के पास आपको खाना खाने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स का ऑप्शन मिल जाएगा। हम लोग रूम में वापस जाके कुछ देर रेस्ट किए, एंड देन रात के ठीक 11 बजे पहुंच गए बीकानेर रेलवे स्टेशन पे। ट्रेन नंबर 14704 लालगढ़ टू जैसलमेर एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए। बीकानेर एपिसोड खत्म होने जा रहा है, हम लोग अभी निकल रहे हैं लीलान एक्सप्रेस से, बीकानेर से पकड़ रहे ट्रेन 11:05 पर। तो चलते हैं, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। पूरा दिन का ब्लॉग कैसा लगा जरूर बोलना। हम लोग जस्ट होटल से चेकआउट करके सामान लेके चले आए।